और अंदर 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 ये सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ भाई एक्साइटमेंट के चक्कर में ना ठीक है भाई हमने यहाँ पे ट्रैप कर दिया उन दोनों को एंड अभी काम करते हैं फटाफट इन दोनों भालू को अंदर लेके आता भाई तो बड़ा बदतमीज निकला बड़ी जल्दी आ गया पता नहीं किसका पीछा कर रही है यार अरे 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 तीन तीन वुल्फ ना गईस भाई लॉटरी लग गई यार यहाँ पे तो चार चार है क्या भाई चारों वुल्फ ने मिलकर पकड़ लिया उसको वहाँ पे उछाल दे भाई उछाल रहे हैं यार ये तो ओ एक मर गई भाई एक मर गई वुल्फ कैसे मरी इन आपस में मार दिया उसको शायद एक को तो भाई साहब उसको खाने लग रहे भाई पकड़े ये देखो कैसे तड़पने लग रही है यहाँ पे वो फेंक दे उसको भाई साहब अरे एक और मर गई यार क्या चल रहा है भाई मेरे को इस डेयर को मारना पड़ेगा अरे अरे एक और गई और मार दिया नहीं 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 आप उसने कुछ जरूर हो सकता है सो हे वट इज़ अ गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो स्वागत आप सभी का कह रहे एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में एंड यार काफ़ी टाइम हो गया था भाई मेरे को मिथ बस्टर सीरीज डाल हुए एंड तुम्हारे भी काफी कमेंट आ रहे थे भाई मिथ सीरीज का क्या हुआ मिथ बस्टर सीरीज का क्या हुआ तो फाइनली भाई आज मिथ बस्टर सीरीज की वीडियो आ गई है एंड तुमने भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिथ्स मेरे को बताए थे तो सारे सारे मिथ्स आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं एंड भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में तो वीडियो मैंने तो जरूर से बने रहना एंड अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो भाई लास्ट वीडियो में मैंने और हुक्म भाई ने हमने यहाँ पे बना लिया था एक मेज़ या तुम कह सकते हो भाई इसको भूल भैया एंड इसके अंदर हमने ट्राई किया था अपने हॉर्सेस का आईक्यू टेस्ट जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा एपिक था एंड अपने हॉर्स ने भाई लिटरली पूरा पार भी किया था स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पूरा कंप्लीट करा था उनने अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर से जाकर देख लेना इसके बाद एंड उसी के साथ भाई मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया था हमने यहाँ पे पेंट कर दिया था अपने फीडर्स को ये फीडर थे जो फीडर कर दिया था यहाँ पे विंडमेडो कर दिया था एंड पेडॉग को इन सब चीज़ को हमने यहाँ पे पेंट कर दिया था क्योंकि भाई तुम्हारे काफ़ी कमेंट आ रहे थे भाई इनको पेंट करो पेंट करो तो इनको मैंने फाइनली यहाँ आप, पे हमने यहाँ पे फाइनली पेंट कर ही दिया था भाई काफ़ी टाइम हो गया था तुम्हें तो कहते कहते ठीक है तो देखो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी अब आज फाइनली हमको भाई अपने मिथ सीरीज पर काम करना है तो तुमने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रखे थे भाई मैंने सारे सारे उनमें से काफ़ी कमेंट मैंने पिक करे हैं एंड आज हम सारे सारे ट्राई करने वाले हैं बाकी फिलहाल भाई इस कार को मैं यहाँ पर छोड़ दूँकि सब कुछ काम है नहीं अभी के लिए तो एंड इस वाली कार को लेके चलेंगे बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग उस मिथ को अपने ट्राई करने वाले हैं तो पहले फटाफट से पहले मैं इस वाले डब्बे को इस कार में रख देता हूँ एंड इस वाली कार को साइड में खड़ा कर देता हूँ, दो मिनट के लिए बस क्योंकि मैं तुम्हें भाई एक्सप्लेन करता हूँ पहले सबसे पहला हमारा मिथ कौन सा होने वाला है तो गाई सर यहाँ पर सबसे पहला मिथ जो मैंने सेलेक्ट किया है वो क्या है ममता नेगी का तो उन्हें भाई तुम्हें स्क्रीन पर कमेंट दिख रहा होगा उन्होंने बोला है कि भाई हॉर्स हॉर्स सॉरी बेयर को अपने पीछे पीछे लेके आओ एंड आके टेंट में सो जाओ एंड बेयर भी टेंट में फंस जाएगा तो यार ये मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा देखने में तो ये वाला मैं पे ट्राई करने वाला हूँ तो सेकंड मिथ भाई मैं पे ट्राई करने वाला हूँ सर्वाइवर गेमर भाई का उनने बोला है क्या हम हॉर्सेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं दो मिथ हमारे हो चुके हैं थर्ड मिथ है भाई कह रहे हैं भाई हॉर्स की ब्रीडिंग करवा के देखो तो भाई ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ये नहीं हो सकता बट फिर भी मैं तुम्हें बनाकर दिखाई दूंगा सॉरी फोर्थ में तो मैंने जो यहाँ पे सिलेक्ट करा है वो करा है हेट पटेल भाई का तो ये कह रहे हैं भाई क्या बेयर अटैक करेगा व, आ, अपने हॉर्स पे यार तो इस चीज़ को मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला हूँ यानी कि यहाँ पर मैं एक एक एरिया बनाऊंगा स्क्वायर टाइप में या कैसे भी सर्कल टाइप में कुछ भी एक एरिया बनाऊंगा फेंस उससे अपने जो फेंसेज है ना एक मिनट ये दिखाया था तुम्हें इन वुडन फेंसेज से मैं यहाँ पे एक एरिया बनाने वाला हूँ जिसके अंदर भाई मैं यहाँ पे छोड़ूंगा टोटल मैं इसके अंदर तीन पार्टीशन करूँगा देखो पहले पार्टीशन में अपना हॉर्स आएगा सेकंड पार्टीशन में अपने बेयर आएंगे एंड थर्ड पार्टीशन में वुल्फ आएंगे तो वो चीज़ चेक करेंगे भाई कैसे होने वाला है मतलब वो आपस में फाइट करेंगे नहीं करेंगे एंड एक ही टाइम पे मैं दोनों को ओपन कर दूंगा यानी बेयर वाले का एंड वुल्फ वाले का दोनों का मैं एक ही टाइम पर ओपन कर दूंगा जो गेट है एंड देन फिर हम लोग देखने वाले हैं भाई क्या आपस में अटैक करते हैं एंड कौन सबसे पहले अटैक करता है हॉर्स पर बाकी मेरे को लगता तो नहीं है शायद अटैक करेंगे बट लैक सी भाई अटैक करते हैं, नहीं करते हैं तो वो चीज़ हम लोग ट्राई करने वाले हैं बाकी फिलहाल देखो यहाँ पे अगर हम लोग भाई एक ही पोजीशनिंग से करते हैं ना पूरा तो ये एकदम परफेक्ट सर्कल टाइप का बन जाता है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है एंड बढ़िया लगता है देखने में भी हमें दिक्कत नहीं आती भाई बार बार वो चेंज करने की देखो ये एग्जैक्टली जाके उससे मिल जाएगा जहाँ उन्हें स्टार्ट किया देखो ये पूरा मिल चुका ना भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मेरे को एंड अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे इसका पार्टीशन बनाऊँगा पहले फटाफट से तो ये यहाँ पर कहीं कनेक्ट होएगा क्या और नहीं यार कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर तो एक काम करते हैं भाई इसको यहाँ पे दौड़ देते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं तो सबसे पहले पार्टीशन आएगा यहाँ पर एंड इस पर और नहीं लग रहा क्या एक सेकेंड लगना चाहिए हाँ लग रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ एकदम इसके यहाँ से स्ट्रेट करते हैं एंड भाई तुम लोग सोच रहे हो भाई हुकुम भाई कहाँ है वो आए नहीं आज भाई हुकुम भाई को थोड़ा बहुत काम था इसलिए वो आज नहीं खेल पाए हैं बट कोई दिक्कत नहीं है भाई कल हुकुम भाई आ जाएंगे तो फिलहाल अपना भाई अपनी बस सीट पर हमें काम करना था इसलिए भी यहाँ पर कर दिया मैंने ठीक है अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे छोड़ने वाला अपने हॉर्स को ठीक है उसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा एक गेट वुडन वाला ठीक है ये गेट आ गया अब इसके अंदर भी एक और पार्टीशन करना है मेरे को जिसके अंदर अपने आने वाले हैं बेयर एंड वुल्फ ठीक है अब उधर से देखो हम वुल्फ लेके आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ इधर का जो पार्टीशन है ना ये वाला एरिया इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ उसमें अपने वुल्फ के लिए रख देता हूँ ये वाला एरिया ठीक है एंड दूसरा वाला एरिया हो जाएगा वो अपने भालुओं के लिए हो जाएगा तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा एंड भालू के लिए तो भाई काफ़ी है क्योंकि भालू के लिए ज़्यादा हमें बड़ा रखना भी नहीं है एंड देखो इतने में से नहीं निकल पाएगी अपनी बुल्स कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं गेट ताकि भाई अगर हम उस साइड से भी आएँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें तो यहाँ पर लग चुका है अपना गेट ठीक है यहाँ पे गेट लग चुका है एंड इधर मैंने गेट लगाया नहीं लगाया ओके okay, मैंने यहाँ पे गेट नहीं लगाया तो यहाँ पे गेट लगाया था कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं फटोट से यहाँ पे गेट लगाता हूँ एक तो यहाँ पे ये यह गेट भी आ चुका है एक गेट यहाँ पे हो गया एक गेट वहाँ पे हो गया एक गेट मैं यहाँ पे सेंटर पे भी लगा देता हूँ बाई चांस अगर हमें इनको आपस में ज्वाइन करना पड़ा तो यहाँ से कर लेंगे एक गेट यहाँ पे हो गया एंड अपने हॉर्सेस को लाने के लिए एक गेट में ही यहाँ पर लगाता हूँ एंड भाई तुम लोग कहीं सोच रहे हो कि अपना मैं चेतक या हुकुम भाई का कोई भी हॉर्स छोड़ने वाला हूँ यहाँ पे तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं भाई सोच भाई सपने में भी नहीं कर सकता ऐसा भाई कितने तगड़े हॉर्सेज हैं यार तुमने देखा नहीं है क्या भाई फुल स्टैट्स है यार उनके लिटरली इतने ज़बरदस्त हॉर्स कभी नहीं मिल सकते भाई मतलब मिल सकते हैं बट बहुत ज़्यादा रेयर है तो इसलिए भाई उनको तो मैंने यहाँ पर डालने वाला उसके लिए हम लोग नया हॉर्स परचेज कर लेंगे तो चलते हैं भाई फटाफट से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर काम करना है हमें लेके आना है बेर क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा हार्ड है बेयर को लाना क्योंकि वुल्फ देखो अपने उस वाले एरिया में मिल जाते हैं ऊपर बहुत सारी घूमते हुए सबसे मेन होता है भाई अपने बेयर्स को लेके आना तो भाई बेयर को लेके आते हैं फटाफट चल के एंड उसके बाद लेके आ जाएंगे वुल्फ्स को तो इस वाले एरिया से हमको चलना है फिलहाल के लिए एंड आके भाई हमें एक हॉर्स भी परचेज करना है जो कि मतलब हमें बस हॉर्स परचेज करना है हमें किसी उस चीज़ से मतलब नहीं भाई उसके स्टैट्स कैसे उसका कलर कैसा है उसका क्या, क्या है कुछ नहीं सिर्फ हमें चाहिए एक हॉर्स ताकि भाई हम लोग इस वाले मिथ को ट्राई कर सकें तो देखो बेर से हमारे दो मिथ ट्राई कर सकते हैं हम लोग तो इससे देखो अपने काफ़ी मिथ हो जाएंगे बेर से देखो अपना एक और मिथ हो जाएगा जो कि ममता नेगी ने बताया था कि बेयर को भाई ट्रैप करके देखो मतलब बेयर को अपने पीछे लेके आओ एंड टेंट में सो जाओ तो उससे भाई बेयर भी वहाँ पे फंस सकता है या फिर टेंट में आ जाएगा वो भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं एंड देन सेकंड ट्राई करने वाले हैं ये वाला हॉर्स और बेयर का मतलब हॉर्स वर्सेस वुल्फ का नहीं हॉर्स वर्सेस बेयर का ये भी ट्राई करने वाले हैं तो इसे दो तीन मेथ हमारे क्लियर हो जाएंगे बेयर वाले से बाकी यार यहाँ और देखो एक तो हो रहा है उसको मैं बुलाता तो एक गोली मारूंगा ना इसको मेरे पीछे पीछे भाग जाएगा एक मिनट भाई यहाँ पे गोली क्यों नहीं हो रही भाई यार ये टाइम लगा रही काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है एंड काफ़ी भाग गया भाई ये रहा रहा ये ये रहा ये लो मैंने इसको एक गोली मार दी अभी मेरे पीछे पीछे भाग के आ ही जाएगा आ तो जाना चाहिए अच्छा हाँ आ गया ना देखो मैं कहता ना भाई एक गोली मारने की दे रहा है बस मेरे पीछे पीछे भाग के आ जाएगा एंड मैं सोच रहा हूँ भाई अगर हमें यहाँ पे एक और बेयर मिल जाता है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा दो दो बेयर को लेके चलेंगे एंड एक और बेयर होना तो चाहिए यार उधर को हो रहा वो होगा हो रहा ऊपर की साइड में मैं फटाफट से गन सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी एंड ये ले आधा मेरे पीछे पीछे आधा अरे आ जा भाई मेरे पीछे पीछे आधा तू और ये तो बिल्कुल ही पीछे है भाई साहब क्या कर रहा हूँ मैं ठीक है वह चेक करने तो भाई दोनों पीछे आ रहे हैं ना हाँ दोनों पीछे आ रहे हैं एकदम बढ़िया भाई सभी को पीछे पीछे हैं अब देखो कहीं दो बेर हमने यहाँ पे फंसा लिया अपने जाल में इन दोनों बेयर्स को भाई अपने फार्म पे लेके जाना मतलब अपने रेंज पे लेके जाना है सीधा एंड दोनों अपने को मिथ ट्राई करने हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले है इन मिथ्स को ट्राई करने में बाकी एक काम करता हूँ इनको थोड़ा सा अपने क्लोज में ले आता हूँ मैं ताकि भाई ये आराम से साथ में चल सके एंड मैं ये बड़ी गलती कर सकता था भाई यहाँ पे मर सकता था पर कोई बात नहीं अब ध्यान रखूँ एकदम बढ़िया से एंड पीछे पीछे आ रहे हैं भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तो अब इनको फटाफट सीधा अपने रेंज पर लेके चलते हैं एंड एक और चीज़ देखना इसके होगा अभी जब मैं इन बेयर को अपनी कार के पास लेके जाऊंगा ना भाई कार के टक्कर मार देंगे और अपनी कार उड़ जाएगी देखना टक्कर मार दे तो ओ मारी देखो टक्कर मारी देखा ना इतनी ज़बरदस्त टक्कर होते हैं भाई इनके अपनी कार को ही उड़ा देते हैं एकदम से ये एंड एक ही वेयर आ रहा है नहीं दोनों 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 को पहले लग रहा था एक है बट दोनों हमारे पीछे आ रहे हैं भाई कोई दिक्कत नहीं यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है इस टाइम पे अगर मेरे से यहाँ पे जल्द जरा सी भी गलती हुई ना भाई ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे खेल खत्म कर देंगे पहला एक शॉट मारेगा दूसरा दूसरा शॉट मारेगा भाई खत्म मैं तो दो शॉट्स में एंड बाकी देखो अगर हम बिल्कुल भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं नहीं करते ना और सीधे भागते चलते हैं एकदम तो भाई हम काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं इनसे लेकिन अगर यूं यूं करते चलेंगे यूं जंप करते चलेंगे रुकते हुए चलेंगे तो भाई वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो ये चीज़ सही है भाई हम थोड़े फास्ट है बेयर से देखो तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है कभी अगर हमारे पीछे ही पड़ जाता है हमारे आसपास कुछ चीज़ नहीं है न अपने पास बुलेट्स भी नहीं है तो हम उनसे बच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखो यार अपन रेंज पर तो पहुँचने ही वाले हैं तो सबसे पहले अपना जो टेस्ट हेमित है वो वाला हम टेस्ट करके देख लेते हैं एंड बाकी भाई सामने डेयर भी है तो देखो डियर से हमें कोई मतलब नहीं है एंड ना ही हमें उसकी ज़रूरत है फिलहाल के लिए तो एंड या देखो दोनों के दोनों पीछे आ रहे हैं उसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो गई कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से पहले मैं देखो जाके सबसे पहले गेम सेव करूंगा अपना सबसे पहले जाते मैं गेम सेव करूंगा देन फिर एक राउंड मार के छोटा सा छोटा सा राउंड मार के आऊँगा एंड उसके बाद आके अपने टेंट में सो जाऊँगा फिर देखते हैं भाई क्या होने वाला क्योंकि देखो टेंट के अंदर तो शायद ही अटैक नहीं कर सकते मेरे को अगर मैं मैट्रेस पे सोता हूँ ना भाई देन फिर मैं कह सकता हूँ हाँ ये मेरे पे अटैक कर सकते हैं लेकिन अगर मैं उसमें सोऊंगा ना भाई टेंट में तो देखो टेंट देखो चारों तरफ से कवर होता है मतलब सामने से खुला रहता है सिर्फ एंड बाकी जो तीनों साइड है ना भाई उसकी कवर रहती है मतलब साइड से दोनों साइड से एंड पीछे एस से वो कवर्ड होता है तो उसकी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं तो फिलहाल पहले फटाफट से चल के मैं सेव कर देता हूँ गेम को कि भाई मेरा भरोसा नहीं है अगर मैं गलती से भी मर गया ना यार तो बहुत ज़्यादा मेहनत वेस्ट हो जाएगी अपनी एंड अपना रेंच देखो भाई कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है भाई इस ब्लू थीम के साथ में एंड मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी सारी चीज़ों को ब्लू थीम में कर दूँ कन्वर्ट दो तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगी और ठीक है देखो मैंने गेम यहाँ पे सेव कर दिया एंड एक भालू भाई भाई अपना यहाँ पे ए एफ के भी हो गए ओके ओके पिछारे पिछारे बिल्कुल पिछा रहे ओके नहीं 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 यार मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इनसे भाई ये मेरे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता हूँ मैं ताकि भाई यहाँ पे दिक्कत ना हो जाए ठीक है अब मैं सीधी जाकर सोने वाला हूँ भाई अपने टेंट में तो चलो सो गया भाई सब मैं मार रहे हैं ये भाई मार रहे है नही, नहीं नहीं भाई अम्मित अपना बस हो चुका है भाई अम्मित बस हो चुका है बिल्कुल ही भाई मार रहे थे यार वो क्या करता मैं भागने पड़ा मेरे को तुमने देखा ना भाई वो मार रहे थे चलो तो मैं एक और बार दिखाई देता हूँ भाई अरे नहीं यार नहीं नहीं भाई नहीं, 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 नहीं दिखा सकता नहीं पर यार मैं क्या शिट यार मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी शिट नहीं यार मेरे को इसको फेंस को कंप्लीट करना था यार पहले एक काम करता हूँ से इसके अंदर घुस जाता हूँ अपनी भूल भलैया में ओके ओके एंड अभी एक टेस्ट और करके देखते हैं भाई भूल भलेया भुल में कहाँ भागते हैं अपने पीछे पीछे अपने पीछे पीछे आप आते हैं कहीं भाई टेस्ट करना है एंड मेरे को एक और चीज़ चेक करनी है कि भाई ये मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ क्या इस भूल भले के अंदर भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर ये ट्रैप हो जाएंगे तो बाकी मैं फटाफट से यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे को तो भाई पूरा रास्ता पता है अरे नहीं नहीं फंस गया शिट 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 गलत साइड से आ गया गलत साइड से आ गया गलत साइड से आ गया भाई अरे मैं खुद भूल गया क्या नहीं नहीं ठीक है ठीक है भाई साहब मेरे को लगा यार मैं खुद ही भूल चुका हूँ भाई कहाँ निकलना था हमको बाकी ठीक है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड एक बार अब चल के देखते हैं टॉप पे भाई अपने वो दो दोनों बेयर्स थे वो कहाँ पे घूम रहे हैं मजे से अंदर भूल में एंड ओके ओके वो बोरे देखो भाई एक तो यहाँ पे है देखो देखो वो रहा वो रहा, वो रहा एंड दूसरा कहाँ भाई दूसरा बाहर निकल गया क्या नहीं यार देखो है तो दोनों के दोनों अंदर ही बट मेरे को सिर्फ एक दिख रहा है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं मैं तो है मैंने ट्रेलर कहाँ भाई ट्रेलर ये रहा मैं फटाफट उठ जाकर भाई उनको गेट बंद कर देता हूँ लेकिन अगर मैं क्योंकि मैंने कहा गेट बंद नहीं करा ना भाई तो वो बाहर निकल जाएंगे एंड भाई काफ़ी दिक्कत हो जाएगी अभी फिलहाल मेरे पास एक ही चार इनको यहाँ पे पकड़ के रखने का कि वो है भाई अपने भूल भले मैं ट्रैप करके रखूंगा क्योंकि मेरे को यार देखो उसके लिए भी चाहिए इन दोनों बेयर्स को अगर मैंने ट्रैप नहीं कराना भाई वो बाहर निकल जाएंगे देखो एक तो बाहर वहीं पे घूम रहा है मज़े से एंड वो अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है ठीक है ठीक है अरे दोनों बाहर आ गए यार ये गलत बात है अरे एक बाहर आने के लिए कर रहा है एक अंदर आने के लिए भाई क्या हो रहा है ये अरे उसने देख लिया मेरे को भाई एक ने देख लिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है एक ने देख लिया तो क्या हो गया अरे अरे अरे, अरे बड़ा बदतमीज़ है चलो इनको अपने पीछे बुला लेता हूँ मैं जल्दी से एंड दूसरी साइड से अंदर घुस जाऊँगा और इधर से आके इस भूल बुजा को कम्प्लीट कर दूँगा तो मैं मेरे को पहले भाई मेन है इनको सबको अंदर फंसाना एक बार दोनों अंदर आ गए ना भाई फिर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को एक बार इनको अंदर बुलाना है बस मेरे को ठीक है मैंने यहाँ से इधर आ गया एंड ये अपने आप उस साइड में तो आ ही जाएंगे आई थिंक सो so, आ तो जानी चाहिए ओ भाई दोनों यहीं पे घूम रहे हैं ठीक है मैं एक काम करता हूँ मैं फटाफट जाकर ना पहले उस वाले एरिया को वहाँ पे ब्लूप्रिंट बना देता हूँ ताकि भाई जैसे ही दोनों अंदर आ जाए ना उसके बाद मैं वहाँ पे कंप्लीट कर सकूँ तो बाकी फिलहाल मेरे को सबसे पहले यहाँ पे जाके ब्लू प्रिंट बनाना है तो मैं यहीं पर जल्दी से ब्लू प्रिंट बना देता हूँ यहाँ का क्योंकि भाई वो भाग जाएंगे वहाँ से नहीं तो इतनी जल्दी ना ठीक है फटाफट से मैं कहाँ पे मैं ब्लू प्रिंट लगाता हूँ कहाँ पे कहाँ पे अगर पे अगर मैं उनको अपने पीछे लेकर आ रहा होता ना भाई ब्लू प्रिंट नहीं लग पाता एंड मैं गड़बड़ कर ही देता भाई इस पर तो इसलिए मेरे को पहले हमें ब्लू प्रिंट लगाना था एंड अब मेरे को उनको अपने पीछे लेकर आना तो फटाफट से जाकर उनको ढूंढता हूँ भाई नहीं तो इधर उधर निकल जाएंगे एंड वो पहाड़ पर निकल के तो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अरे भाई सब पीछे आ रहा है बत्तमीस कहीं का डरा दिया मेरे को भाई एकदम से भाई बहुत गंदा डरा दिया यार ठीक है वो वाला भी आ ही रहे इनको एक साथ में ले आता हूँ ना भाई पहले एंड यार मेरे को अपने इन हॉर्सेस से दूर रखना यार इन्हें गलती से अपने हॉर्सेस के पास भी आ गए ना भाई ये फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है मेरे को हॉर्सेज़ से दूर रखना भाई गलती से भी मरना मरने नहीं चाहिए मेरे हॉर्सेस ठीक है यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क काम होने वाला है भाई अपना ये तो मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से यहाँ पर आता हूँ एंड सामने की तरफ भाग जाता हूँ मैं जल्दी से ताकि वो दोनों दोनों अंदर तो आ जाए बट कोई दिक्कत ना हो ज़्यादा गए क्या अंदर आ गए क्या हाँ एक आ गए एक आ गया एक आ गया ठीक है ठीक है ठीक है दूसरा आई डोंट नो भाई आया नहीं आया पता नहीं दूसरे का देखना पड़ेगा मेरे को जा करके तो यार देखो एक थोड़ी सी दिक्कत बस यहाँ पे ही यह है कि मेरे को निकलने के लिए भैया पूरा का पूरा भूल भले पार करनी पड़ती है तो वो बाहर ना निकल गए हो यार बस मेन प्रॉब्लम ये है अगर बाहर निकल गए होगा ना भाई फिर दिक्कत हो जाएगी बट बाहर नहीं निकलनी चाहिए यार मेरे को लग रहा है वो अंदर ही होनी चाहिए हाँ एक काम कर सकता हूँ मैं उनको बिल्कुल साथ साथ अपने पीछे लेकर आऊंगा ना भाई तो कोई और ये हो ठीक ठिकठिक अंदर है अंदर 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 ही सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ भाई एक्साइटमेंट के चक्कर में ना ठीक है भाई हमने यहाँ पे ट्रैप कर दिया उन दोनों को एंड पता नहीं कहाँ पे घूम रहे हैं भाई वो ठीक है एक तो देखो यहाँ पे घूम रहे हैं एंड दूसरा वाला और दूसरा भी अंदर एक ठीक है गाइस हमने यहाँ पे दोनों के दोनों को ट्रैप कर लिया है तो एक बार फटो फटे ऊपर चल के देखते हैं भाई इनका क्या आई क्यू है मेरे को तो लगता है भाई एकदम दम बोएंगे भाई ये बिल्कुल इनमें दिमाग नहीं होता तो भाई ऊपर चल के देखते हैं भाई कैसे हैं भोंदू हैं या फिर ठीक ठाक दिमाग है इनमें तो मेरे को लगता है भाई गेट के पास में ही घूम रहे हैं कहीं ना कहीं हाँ देखो भाई साहब दिमाग है यार इनमें भी गेट के पास ही भाग रहे हैं एकदम ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो चुकी है अपनी एंड अब एक काम करता हूँ मैं इनको अंदर फंसा देता हूँ इसके तो फटाफट से भाई मैं फटाफट यहाँ पे पहले अपनी कार लेके चलता हूँ एंड उस वाले ट्रेलर को पहले इस तरफ लेकर आता हूँ ताकि भाई मैं सारी सारी कंप्लीट कर सकूँ उसके बाद हम लोग सेकंड मिथ भी ट्राई कर सकते हैं तो भैया जो अपना पहला मिथ था ना कि भाई टेंट में फंस सकते हैं मतलब टेंट के पास जाके सो जाओ तो ये अपनी ये टेंट में फंस सकते हैं ऐसे कुछ करके मिथ था कि यार वो तो यार देखो लेटर बस्ट हो चुका है तो यार वो मिथ अपना काम नहीं करा अब बारी आती है भाई सेकंड मिथ की कि भाई अपने हॉर्स जो है वो बेयर अटैक करता है हॉर्सेस पे नहीं करता एंड उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मैंने यहाँ पे वुल्फ भी ऐड कर दिया है तो दोनों का टेस्ट हो जाएगा भाई कौन पहले अटैक करेगा एंड वुल्फ अटैक करते नहीं करती बेयर अटैक करता ही नहीं करता तो दोनों की दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी तो यार यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है भाई मेरे को कोई बात नहीं यहाँ से निकाल लेंगे हम अपनी ट्रिक से देखो यहाँ पर अरे यार यहाँ पर जगह ही नहीं है यार जगह होती तो नहीं निकल मिलता अब निकल जाएगी देखो ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है भाई मेरे को तो एंड भाई मैं खुद ही फंस गया वाह भाई साहब वाह एक पेड़ तोड़ने चक्कर में मैंने खुद की गाड़ी फंसा ली यहाँ पे ठीक है निकल गई अपनी कार तो कोई दिक्कत नहीं है इसको फ्लिप कर देता हूँ ना मैं एक बार अब निकल जाएगी यार क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है अरे भाई पैडॉक के अंदर नहीं भाई पैडॉक के अंदर नहीं पैडॉक के अंदर फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई काफ़ी ज़्यादा पैडॉक के अंदर नहीं फंसनी चाहिए भाई साहब अब मैं ट्रेलर नहीं निकल पाएगा वो गाड़ी तो निकल जाएगी बट अपने ट्रेलर को दिक्कत आएगी यार काफ़ी निकलने में एक मिनट को मैं से फटाफट से पहले अपनी कार को बाहर निकाल लेता हूँ एंड अब इसको टक्कर यार ये पेड़ भाई ये पेड़ बहुत बेकार लगते हैं मेरे को छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना भाई ये इनमें बहुत गंदा फंस जाती है अपनी कार आके ना तो ये भा, भाई काफ़ी बेकार लगते हैं मेरे को ठीक है अभी काम करते हैं फटाफट से इसको अपने ट्रेलर को धक्का मारते हैं यहाँ से ताकि भाई अपना ट्रेलर नीचे उतर जाए एंड अब इनको ले कर चले अपने साथ में तो फटाफट से मैं यहाँ पे इसको यूँ करता हूँ और एक टक्कर मारता हूँ बहुत शोर वाली ताकि नीचे आ जाए भाई आ जाए यार नीचे क्यों इतने ड्रा कर रहा है यार एक तेज़ वाली टक्कर मारनी पड़ेगी उससे हो सकता है भाई नीचे उतर जाए तो यहाँ से क्रैक करके देखते हैं थोड़े होर्नर मारते हैं हाँ आ जाएगा बट वो मेरे को एक पेड़ हटाना पड़ेगा पीछे वाला क्योंकि ये पेड़ हट सकता है एंड भाई ये पेड़ भी इतने ज़्यादा है ना यार मैं क्या बताऊँ भाई भरे पड़े हैं भाई पेड़ी पेड़ ही पेड़ रेंज में अपने एंड भाई काफ़ी भाई देखा कुछ बंदे भाई थे अपने वो भाई काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि यार इन पेड़ों को हटाओ सारे के सारे भाई लिटरली भाई एक बार सोचो सही भाई कैसे हटा सकता हूँ यार इतने ज़्यादा पेड़ है पूरे रेंज में भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यार अपने अपने रेंज के हटा सकता हूँ बट पूरे गेम के भाई बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड कोई मतलब भी नहीं है यार उसका मतलब भाई तुम खुद सोचो भाई क्या फ़ायदा उस सारे के सारे पेड़ हटाने का गेम भी बहुत अजीब मतलब इतना बढ़िया भी नहीं लगेगा गेम सारे के सारे हटा भी दूंगा तो तो ठीक है यार ये काम हो चुका है अपना ट्रेलर यहाँ से निकल चुका है पूरा बढ़िया से एंड अब उसका फटोफट से लेकर चले यार क्या स्कैम हो रहा है भाई मेरे साथ आज ठीक है भाई ठीक है कर लो कितना करना है कर लो यार हद हो रही है भाई इतने गंदे गंदे स्कैम चल रहे हैं ठीक है बाकी अपने बेर हाँ कहाँ पर गए भाई ओके अच्छा यहीं पर यहीं पर भून दूँ एकदम गेट पर खड़े हैं दोनों के दोनों मेंटल कहीं के ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फटाफट से मैं पे इनको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि भाई अपने बेयर को तो हम लोग ट्रैप कर सकें एंड बाकी चीज़ भाई हम बाद में देख लेंगे यानी इसके बाद वुल्फ एंड हॉर्स का बचेगा ना भाई सिर्फ उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो बाद में कर दूँ मतलब बाद में तो क्या अभी करेंगे लेकिन हाउस के लिए थोड़ा सा टाइम हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर यार प्लैंक्स और ना लाने पड़े बस मैं यही होप करता हूँ कि भाई प्लैंक्स लानी पड़ेगी ना थोड़ा और टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना बट देखते हैं भाई क्या होने वाले हैं पहले फ़िलहाल भाई मैं इसको यहाँ पे बिल्ड कर देता हूँ और हाँ गई एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अगर तुम चाहते हो भाई हमारे साथ खेलना यानी हुकुम भाई और मेरे साथ खेलना तो उसके लिए भाई तुम लोग जल्दी से फटाफट से आ दो डिस्काउंट पर एंड मेरे को मैसेज कर दो लेकिन उसके लिए भाई तुम्हारे लिए तुम्हारे पास नॉर्मल रेंच होना चाहिए यानी क्रैकड वाला नहीं होना चाहिए जो होता है ना भाई स्टीम से परचेज़ करा होता है सिर्फ वही वाला वर्क कर सकता है यहाँ पे तो ये तुम लोग ध्यान रखना बस कि तुम्हारा स्टीम वाला हो ताकि भाई कोई दिक्कत ना आए बाद में कि तुम्हारा अगर क्रैक वाला होना भाई फिर हम साथ नहीं खेल पाएंगे तो वहाँ पर इशू ना क्रिएट हो जाए कोई बस वो चीज़ तुम लोग ट्राई कर लेना बाकी जिसको भी खेलना है भाई फटाफट से आ जाओ डिस्कॉर्ड बताओ मैं वो जो भी खेलना चाहते हैं भाई कर देंगे अरे निकल खुल गया मेरे को लगा नहीं हुएगा ठीक है ठीक है यहाँ पे खुल चुका है एंड अभी काम करते हैं फटाफट से इन दोनों भालू को अंदर लेके आता है भाई तो बड़ा बदतमीज़ निकला बड़ी जल्दी आ गया आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से को बंद करता हूँ बड़े बदतमीज हो भाई तुम तो हैं तुम्हें क्या लगा तुम आ जाओगे निकल के हैं भाई तुमसे तेज मैं हटो यहाँ से चलो हटो ठीक है इनों इन को मैंने यहाँ पे ट्रैप कर लिया है एंड अब बारी आती है भाई यहाँ पे वुल्फ्स को लेकर आने की तो जल्दी ही चलते हैं दो मिनट में वुल्फ़ को भी लेकर आते हैं एंड भाई यहाँ पे मेरे को ज़रा सी भी गलती नहीं करनी है, अगर मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रा सी भी गलती कर दी ना वुल्फ भी जाएगी उसी के साथ भाई अपने यहाँ पे दोनों के दोनों बेयर भी चले जाएंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उससे तो यार ये बारिश का मौसम भाई काफ़ी ज़्यादा बेकार है यार ये बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ आती है यार बहुत अनाय करती है यार ये कोई नहीं यार थोड़ी बहुत देर की होगी शायद बारिश बाकी देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है भाई बारिश देखो एकदम मस्त मौसम और एकदम मन एकदम बढ़िया हो जाते हैं लेकिन जो इसकी आवाज़ है ना यार वो थोड़ी सी बढ़िया नहीं लगती हमें मेरे को तो बढ़िया नहीं लगती भाई तुम्हें पता नहीं बढ़िया लगती नहीं लगती बाकी फिलहाल भाई मेरे को यहाँ पे ढूंढनी है वुल्स तो मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे अगर दो वुल्स मिल जाए ना भाई तो क्या ही कहना देखो एक तो वहीं भाग रही है वो तो मेरे को दिख गई तो वो पता नहीं किसके पीछे पड़ी हुई है शायद से एंड यहाँ पे तो भाग रही थी भाई अभी अच्छा देखो वो भाग के जा रही है ऊपर की तरफ में पता नहीं किसका पीछे कर रही है यार ये अरे अरे तीन तीन वो गईस भाई लॉटरी लग गई यार यहाँ पे तो चार चार है क्या ये पीछा किसका कर रही है एक मिनट पीछा किसका कर रही है ठीक है ठीक है ठीक है वहां पे जा गई गई पे चली ये किसी किसी ना चीज़ का तो पीछा कर रही है है भाई भाई तीन तीन चार चार है भाई पूरी गैंग ओ भाई डेर का पीछा कर रही है दो वो तीन चार चार वुल्स भाई सब चार चार्स भाई मैं तो एक दो तीन सोच रहा था भाई यहाँ तो चार चार निकली यार ये देखो सामने ओ भाई यार इस देर को उड़ाना पड़ेगा मेरे को नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी भाई काफी ज्यादा ये भागती रहेंगी भागती रहेंगी एंड इस और पकड़ 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 ले पकड़ ले, पकड़ ले पकड़ लिया 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 आई थिंक गाइस भाई चारों वुल्फ ने मिल पकड़ लिया उसको वहां पे और उछाल दे भाई उछाल रहे हैं यार ये तो ओ एक मर गई भाई एक मर गई वुल्फ कैसे मरी इन आपस में मार दिया उसको शायद एक को तो भाई कैसे खा रहे हैं इसको तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा सी भी भाई सब उसको खाने लग रहे हैं भाई पकड़े ये देखो कैसे तड़पने लग रही है यार वो फेंक दे उसको भाई सब उसको पीछे फेंक दिया हाँ। भाई इस वाली वुल्फ को इस डियर ने पीछे फेंक दिया भाई वुल्फ उड़ने मतलब सॉरी वुल्फ कह रहे डेयर भी हवा में उड़ने लग रही है।, है भाई सब क्या ही सीन चल रहा है यार ये भाई इसको ही नहीं पा रहे कहीं इतनी देर हो गई और एक और मर गई यार क्या चल रहा है भाई मैं मेरे को इस डेयर को मारना पड़ेगा अरे और गई और मार दिया शिट 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 नहीं 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 ये गलती मैं पे नहीं कर सकता बिल्कुल भी भाई दो तीन वुल्फ मर चुके भाई उस अकेले डेयर ने तीन वुल्फ को मार दिया एंड दो बच रिया गई देखो दो बच रिया हमें दो को लेके जाना था एंड दो ही बच रही है तो काफी ज्यादा सही बात है भाई ये तो एंड यार मैं लिटरली देख रहा हूँ भाई वहां पे उस एक डेयर ने तीन तीन वुल्फ को मार दिया भाई क्या जबरदस्त डियर था यार वो भाई कितना खतरनाक एकदम मतलब भाई उसके पास ना तो ढंग की बाइट फोर्स थी ना मतलब ना तो उसकी ढंग ढंकी क्या बताऊँ मैं यार मैं बोला नहीं जा रहा भाई इतना खतरनाक सीन था वहां पर मतलब यार कदर था भाई बहुत तगड़ा डियर था यार वो तो अगर वो बच जाता ना भाई लिटरली मैं तो उसको भाई अपने साथ लेके आता और ट्रैप करके कर कर रखता बट भाई यार स्पॉन हो जाता बट फिर भी यार भाई काफी जबरदस्त डियर था यार ठीक है तो इसको फटाफट से यहाँ पे मैं ट्रैप करता हूँ जल्दी से इनको अपने पीछे पीछे लेकर आ रहा हूँ पीछे देखो बिल्कुल पीछे आ रही है लेकिन अगर यार वो डेयर उनको मारते नहीं ना देखो यार मेरे को सीरियसली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई वो डियर इन तीनों वुल्फ को मार देगा लेकिन यार अगर वो नहीं मारता ना तो भाई अपने पास यहाँ पे फिलहाल पांच वुल्फ हो जाती जो कि सोचो भाई पांच वुल्फ मिलकर क्या ही अटैक करती एंड भाई कितना खतरनाक सीन होता भाई पांच वुल्फ वर्सेज वन हॉर्स एंड टू बियर भाई का खतरनाक मसला मस्त, मस्त सीन हो जाता है यार एकदम नेक्स्ट लेवल वाला बाकी देखो फिलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा अरे अरे यार मेरे से तो थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे मैं बंद करना भूल गया इसको अरे यार उसने मार दिया एक वुल्फ को तो यार मेरे से बंद नहीं हो रहा गेट यार क्या हो रहा है मेरे से तो रुक जाओ यार को थोड़ा सा हेल्थ रीजनरेट करने दो एंड यार उस वुल्फ ने मार दिया भाई उसे उस वुल्फ ने मार दिया उसे अरे अरे यार मेरे को खोल मैं मैं क्या कर रहा हूँ यार आज हद हो गई भाई इतनी गड़बड़ ठीक है रुको मेरे को इसको फटाफट से यहाँ पे खोलना है एंड अंदर जैसे चले जाऊँगा ना भाई जैसे अंदर आ जाऊँगा मेरे को इसको यहाँ पे बंद कर देना ठीक है अभी ये टैप हो चुकी है अपनी एक वुल्फ एक वुल्फ अपने पास यहाँ पे आ चुकी है एंड साथ साथ दो बेयर भी आ चुके हैं अब बारी आती है भाई फटाफट चल के यहाँ पे एक हॉर्स परचेज करने की तो भाई यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता भाई कोई उसकी कैसी भी स्टार्ट हो कैसे कलर हो हमें सिर्फ सिर्फ एक हॉर्स लेके आना है तो जल्दी चलते हैं भाई एक हॉर्स को परचेज़ करके लाते हैं एंड भाई फिर देखते हैं भाई क्या होने वाला है यहाँ पे तो एक काम करते हैं भाई फटाफट चलते हैं एंड मैं सोच रहा हूँ भाई इसी के साथ भाई पे पेंट भी कर ही दूंगा कि भाई पेंट आने के बाद पेंट होने के बाद भाई अलग ही वाइब्स आती हैं अभी तुम लोग देख रहे हो ना उसको भाई वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही लग रहा है ठीक ठाक सा नॉर्मल सा लेकिन पेंट होने के बाद भाई क्या ज़बरदस्त वाइब्स आती है वो चीज़ तुम्हें भी पता है तो भाई ये तो भाई महंगा हॉर्स है इतना महंगा भी नहीं लेना भाई हमें क्या फ़ायदा तो मैं देखने वाला पे कोई सस्ता ओके okay, तो वैसे यहाँ पे मेरे को यार सस्ता सा हॉर्स मिल चुका है वो वाला हॉर्स भाई काफ़ी ज़्यादा महंगे थे यार तो मैंने इसलिए उनको कैंसिल कर दिया यहाँ पे तो इस वाले को परचेस करके लेके आने वाले हम यार बेड मत लगाओ भाई मत लगाओ क्या करोगे इतनी बेड लगा के हैं कहाँ जाओगे भाई अच्छा पागल है ये टोपी वाला भाई वाइट ब्लैक कोट हाँ ब्लेजर भाई रुक जाओ यार दोनों के दोनों एक इसमें तो मेजर शर्ट पहन रखी है भाई बिल्कुल रेड कलर में बट ठीक है आ गए हॉर्स अपने पास ओ भाई एक मिनट दो गई यार ये देखो भाई मेरा सीरियसली मन है? यार अबे कहा गया यार पर ये देखो भाई इसका कलर देखो यार मेरा सीरियसली मन नहीं कर रहा भाई इसको वहां पे डालने का बट यार देखो मैं सीरियस हम कर रहे हैं तो यार करने पर इसकी स्पीड कितनी ज्यादा घटी है अब स्पीड ही नहीं है यार इसकी तो मैं सोचो भाई मैं इतने भगा रहा हूँ बट इसकी स्पीड ही नहीं है कुछ भी एंड यार ये वाला चीज देखो तुम ले एक बार आई हॉर्स के हेयर वाली भाई कितनी जबरदस्त लगती है यार ये बाकी इस हॉर्स को रख नहीं सकते हैं बट हाँ एक चीज़ कर सकते हैं तुम लोग तो कमेंट में जाकर बताओ मेरे को अगर तुम ये कलर पसंद आया ना तो ये वाला कलर मैं यहाँ परचेज कर लूंगा वही बढ़िया स्टैट्स वाला अगर तुम्हें पसंद आया ये वाला कलर तो फटाफट जाकर मैं कमेंट सेक्शन में बता दो तो मैं ये वाला हॉर्स का कलर भी परचेस कर ही लूंगा एंड बाकी भाई इसको मैंने यहाँ पे ट्रैप कर अरे ट्रैप हो भाई यार क्या कर रहा हूँ मैं ठीक है इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है अब एक काम करते हैं भाई फटाफट से इसको पेंट कर देते हैं पेंट करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है एक छोड़ के एक पेंट करने वाला हूँ यहाँ पर एंड इसको पेंट कर दो इसको पेंट कर दो इसको छोड़ दो इसको पेंट कर दो इसको छोड़ दो इसको पेंट कर दो इसको छोड़ दो इसका पेंट कर दो इसको छोड़ दो इसको पेंट कर दो इसको छोड़ दो एंड बाकी को वाइट पेंट कर देते कोई दिक्कत नहीं है भाई ठीक है वाइट पेंट उठाया से वो वुल्फ की आवाज़ आई मेरे को मरने की शायद से नहीं पता नहीं मेरे को ऐसा लगा जैसे वुल्फ मर गई गए... नहीं मरी नहीं मरी भाई मेरे को ऐसा लगा जैसे वुल्फ मर गई हो बट नहीं वो नहीं मरी एंड एक गड़बड़ होगी छोटी सी बस कि भाई वो वुल्फ जो है वो बेयर वाले उसमें घुस चुकी है जा कर के जो कि देखो दिक्कत तो नहीं है बट हाँ अरे रुक जा भाई तू कहाँ जाएगा यार कहाँ जाएगा हैं कहाँ जाएगा तू बाहर तेरा कुछ काम नहीं है बाहर तेरा काम अंदर है फ़िलहाल अभी ठीक है रुक जा भाई बाहर नहीं जाना तेरे को तेरा काम अंदर है तो इसको यहाँ पर करो इसको भी यहाँ पर कलर कर दो एंड उसी के साथ इसको भी यहाँ पे कलर कर देते हैं ठीक है अब देखो यार मेरे को वैसे भी यहाँ पर हटाना तो था ही अब तुम लोग सोच रहे हो भाई क्या हटाना था तो मैं तुम बता देता हूँ अरे भाई बंद होता है यार क्या हो रहा है ब्लू पेंट वहाँ पर पे रहेगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई मैं वैसे भी उसको बीच वाला पार्ट हटाने वाला था उनको यहाँ पर लेकर आने के लिए क्योंकि भाई यहाँ पे दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा अब कैसे हो सकते हैं मैं तुम बताता हूँ जो बेयर है ना भाई अपने वो सिंगल वाले में से नहीं निकल सकते हैं लेकिन जो वुल्फ है ना भाई वो दोनों में से निकल सकती है मतलब सिंगल में से निकल सकती है तो इसके लिए मैंने सोचा था भाई वो सिंगल वाला है उसको मैं तोड़ दूँगा तो एक मीटर को देखो मैं फटाफट से यहाँ पे इसको सिंगल वाले को तोड़ देता हूँ जो आगे की साइड में है ठीक है इसको मैंने यहाँ पे तोड़ दिया हो भाई साहब अब दिक्कत आ सकती है अपना हॉर्स निकल सकता है यहाँ से तो उसके लिए मेरे को या भाई यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ करनी पड़ेगी ना भाई वो बहुत ज़्यादा फास्ट करनी पड़ेगी लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा फास्ट तो सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पे अंदर आ आता हूँ एंड इसको बंद करते हैं जल्दी से ठीक है चलो 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 भाई साहब कर दिया मैंने कर दिया कर दिया ठीक है ठीक है ठीक है एंड नहीं बेर कुछ कह नहीं रहा हॉर्स को अपने एंड अपना हॉर्स उसके साथ आराम से घूम रहा है भाई कुछ नहीं कह रहेगा ए जी आ रही है तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं मतलब मेरे को लग रहा हमें लग रहा था भाई मतलब कमेंट तो में तुमने बताया था मिथ में कि भाई हॉर्स मारता नहीं मारता तो ये भाई भी ये वाला भी मिथ अपना बस्ट हो चुका है एंड भाई मेरे को वुल्फ चेक करनी भाई वुल्फ बहुत कमी होती है एंड भाई वुल्फ का कुछ भरोसा कुछ नहीं होता एंड भाई हॉर्स डर रहा है अपना भाई अपना हॉर्स डर रहा है सीरियसली उससे एंड भाई मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे एंड वो क्या कर रहा है वहाँ पे भाई पागल तो नहीं है तू इधर आ जाना पागल से भाई वो पता नहीं क्या करना चाहता है एंड बाकी यहाँ पे वुल्फ भी यहीं पे पर क्या हाँ भाई वुल्फ भी यहीं पे है एंड ये वाला बेयर भाई क्या करना चाहता है भाई मेरे को समझ ओके वो वहाँ पे फंस चुका है गाइस वो वहाँ पे फंस चुका है इसलिए नहीं आ रहा वो आगे तो एक काम करो रिस्क ले वाला भी तोड़ दिया मैंने अब तो वो आ सकता है भाई आराम से एंड वो ट्रस्ट करते हैं भाई अपनी वुल्फ इसके हॉर्स के पास आके ओ भाई ऊपर से कूद रहा है यार बड़ा बदतमीज़ भालू है यार ठीक है यार कुछ भी नहीं कर रहे तो यार एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ ताकि इनकी रेंज से बाहर आ जाऊँ एंड देन वे चेक करेंगे भाई वो क्या करने वाले हैं वहाँ पे एंड अब मैं आई थिंक उनकी रेंज से बाहर आ चुका हूँ एंड एक काम करते हैं नाइस हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं यार जाके मैं भी क्या कर रहा हूँ भाई यहाँ पे क्या करेंगे बैठ के और उड़ा तो दिया उसको छिट 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 वो मेरे पीछे भाग सकते हैं भाई मेरे को उससे बचना पड़ेगा यार भाई उसको हवा में उड़ा दिया लिटरली पता नहीं किसने उड़ाया हॉर्स ने उड़ाया या फिर पता नहीं किसने उड़ाया बट जिसने भी उड़ाया भाई वो हवा में उड़ गया था तो कोई दिक्कत नहीं है भाई मैं पे फटाफट से ऊपर चढ़ जाता हूँ एंड ऊपर चढ़ के देखूँगा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है एंड भाई मेरे को लगता तो है नहीं ये ऊपर आ पाएगा बाकी देखेंगे भाई अगर आ गया तो मारना पड़ेगा मेरे को उसको एंड देखो अपना हॉर्स वहाँ पर घूम रहा है मज़े से ये ऊपर तो नहीं आ पाएगा ना भाई मेरे को डर लग रहा है नहीं है नहीं आ पा रहा नहीं आ पा रहा ठीक है देखो वहाँ पर अपना हॉर्स है एंड वहीं पे अपनी वुल्फ भी है एक एंड अपना एक वो तुम लोग कह सकते हो बेयर भी है बाकी इसको मेरे को मारना पड़ेगा भाई मेरे को डर लग रहा है इस वाले से मैं मेरे को मारना देखा ये चल भाई तेरा काम हो गया बहुत ख़त्म सीरियसली डर लग रहा था भाई इससे क्योंकि अगर मैं नीचे कूदूँ और गलती से भी मार देने इसने भाई पूरी पूरी, पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी यहाँ पे ठीक है यार यहाँ पे देखता क्या होने वाला है थोड़ी देर और वेट करता हूँ मैं बाकी मैं इनको थोड़ा बहुत उकसाता हूँ यहाँ पे आके एंड ये हॉर्स अपना ये रहा और आज भाई हॉर्स क्या हो रहा है यार समझ में नहीं आ रहा भाई कुछ कर ही नहीं रहे यार ये तो देखना हॉर्स वैसे डर रहे देखो इन बेर से और से हॉर्स अपना डर रहे हैं देखो देखो भाई डर के भाग रहा है वो सीरियसली डर के भाग रहा है एंड भाई क्या होने वाला है यहाँ पे कुछ पता नहीं मेरे को बाकी यार देखो देखने से तो यही प्रडिक्ट हो रहा है कि भाई अपना हॉर्स कुछ मतलब ये अपने हॉर्स को कुछ भी नहीं कह रहे हैं एंड अपना हॉर्स भी भाई काफ़ी ज़्यादा डर डर के भाग रहे हैं इनसे तो भाई यार ये मिथ आई थिंक बस्ट हो चुका है क्योंकि अभी तक तो देखो कुछ करा नहीं है अगर करना होता ना भाई अभी तक तो या तो फिर बेर या फिर वुल्फ उनको मार देते आराम से बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना बेयर ने वुल्फ को मारा ना वुल्फ ने बेयर को मारा एंड अब हो सकता है भाई कुछ ना कुछ देखो अब कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है ओ मार दिया भाई भाई इस बेयर ने अपने वुल्फ मतलब सॉरी इस बेर ने भाई अपने हॉर्स को मार दिया यहाँ पे जो कि एक तुम लोग कह सकते हो भाई ये बेर इतना ज़्यादा भाई इतना ज़्यादा खतरनाक है इसके रास्ते में कुछ भी आता है ना भाई उसको ख़त्म कर देता है ये अब जैसे देखो इसके रास्ते में अगर वुल्फ आ गई ना भाई ये इस वुल्फ को भी ख़त्म कर देगा देखना देखना देखना, 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 देखना। बस मेरे को अटैक करवाना है इससे एक बार एक बार अटैक कर दे बस अगर वुल्फ भी बीच में आई ना भाई इस वुल्फ को भी मार देगा ये एंड ये अटैक क्यों नहीं कर रहा भाई ये वुल्फ को ज़्यादा ही बीच मारिएगा क्या इसके मार भाई अरे मार भाई कौन मरा कर रहा है अरे यार ये एक तो वुल्फ भी पागल हो रही है ना भाई इतना एक बार रुको मैं इसको ये खाते हैं क्या ये ये पोर्क खाते हैं क्या एक मिनट मेरे को पॉक चेक करना पॉर्क सॉरी वाइल्ड मीट है नहीं तो ये वाइल्ड मीट खाते हैं क्या नहीं खाते भाई नहीं खाते भाई इनके वुल्फ के बेयर के आपस में फाइट हो रही है क्या कुछ आ जा भाई बेर ना बे भाई ये बेर इसको ये बियर क्या कर रहा है मारना भाई मारना भाई उसको मारना यार क्या कर रहा है भाई मारना उड़ा दे भाई कर दे खेल खत्म भाई काफी टाइम लगा रहा है यार आज तो और कर दिया वो भाई सब देखा ये चीज मैं बता दू तुमको भाई इस बियर के बीच में कुछ भी आ जाए भाई ये किसी को नहीं देखता एंड सीरियसली खत्म कर देता सब चीज़ों को हाँ क्या क्या, क्या मार देगा क्या तू मेरे को तेरे को लगता है तू मेरे को मार देगा हैं तेरे को लगता है तू मेरे को मार देगा अरे भाई बस यार देख रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक सीन था यार ये मतलब दो बेर दो वुल्फ वर्सेस वन हॉर्स और इसका भाई कंक्लूजन क्या निकलता है भाई अपना बेर सबसे खतरनाक है वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता यहाँ पे एंड अपना एक हॉर्स भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई सीरियसली चल भाई तू यहाँ से बहुत दिमाग ख़राब कर लिया तूने एंड अब अंदर चल के देखते हैं भाई यार ये अपना हॉर्स है एंड तुमने एक और चीज़ पूछी थी भाई मेरे से अगर हम हॉर्स को स्किन करते हैं तो इसके अंदर से भाई हमें क्या चीज़ मिलती है तो वो वही बार चेक कर लेते हैं अभी नहीं यार कुछ भी नहीं मिलता हमको जब हम हॉर्स को स्किन करते हैं, तो उससे हमें कुछ भी नहीं मिलता लिटरली भाई कुछ भी नहीं एंड अब देखो अपना लास्ट 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 कह रहा हूँ जब अपना लास्ट मिथ था ना वो था भाई ने पूछा था कि क्या हम बेयर को सॉरी क्या हम हॉर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं व्हीकल में या फिर नहीं तो यार वो चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे

ओके खे लोड लार लोड द विकल ओके गाइस कर सकते हैं शायद हम देखो इन पेंट के डब्बों को उठा के देखते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे ऑप्शन तो आ गया है एंड लोड दिस एनिमल कैन नॉट फिट इन दिस कार ओके ये इसमें फिट नहीं हो सकता बट एक चीज़ ट्राई करते हैं हम लोग चढ़ के कि भाई चल के क्या भाई चर के क्या हो रहा है भाई एक चीज़ हम लोग ट्राई कर सकते हैं चल के कि क्या हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ट्रक में या फिर नहीं एंड ट्रक तुम्हें ना पता तो भाई मैं बता दूँ हमारा ट्रक खड़ा हुआ है अपने जनरल नहीं ये अपने होटल के पास में हाँ होटल के पास में दोनों के दोनों ट्रक खड़े हुए हैं अपने तो वो चीज़ चेक करते हैं मैं फटाफट चल के यहाँ से तो यहाँ से निकलता हूँ मैं पहले तो फिलहाल एंड यहाँ से निकल के चलते हैं जल्दी से इस साइड में और इधर से अब लोग आ चुके हैं इधर अपने ट्रक्स के पास में एंड फटाफट से मैं इसको मैं दोबारा से टेम करता हूँ विसल मार के ताकि हम लोग यहाँ पर चीज़ ट्राई कर सकें एंड ये आ रहा है अपने पीछे हाँ आ रहे हैं और इवर एक देखता हूँ भाई तो फुल पड़ा है यार ये वाला हाँ ये वाला खाली है इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट दिस एनिमल कॉन्ट फिट इन दिस कार भाई देखो अपना हॉर्स कोई सी भी कार में फिट नहीं हो सकता ये मिथ भी भाई अपना बस्ट हो चुका है भाई क्या हो रहा है यार आज जितने भी मिथ तुमने बताया भाई सारे सारे बस्ट होते जा रहे हैं एक भी मिथ अपना काम नहीं करा तो यार देखो कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है अब तुम्हारे पास मेन टास्क एक और आता है भाई इस वीडियो पर जाके फटाफट से कमेंट करो कि भाई तुम्हें और कौन कौन सी मिथ बस्तर सीरीज में कौन कौन से मिथ चाहिए एंड बढ़िया बढ़िया मिथ लिखना यार ताकि मेरे को भी पसंद आए उनको सेलेक्ट करने में एंड जो भी मिथ मेरे को भाई सबसे ज्यादा बढ़िया लगेगा वो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो यानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो अभी आने वाली है तो फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो जाके भाई तुम्हें कौन सा मिथ चाहिए एंड भाई मज़ा आएगा यार काफ़ी ज्यादा आने वाले टाइम में क्योंकि तुम लोगों को पता है काफी बढ़िया बढ़िया मिथ बताओगे तो ये था आज का हमारा मिथ बस्टर का सेकंड एपिसोड बता देना जरूर कि तुम्हें कैसा लगा ये वाला एपिसोड एंड हाँ यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक चैनल कर देना सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स साथ मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ टेल देन टेक केयर एंड बाय बाय